ये कितनी खूबसूरत पानी वाली धर्मशाला है जिसे कि हमारे बुंदेलखंड के झांसी में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक धर्मशाला कहा जाता है। यहाँ पर रामलीला के दौर में राम केवट संवाद का मंचन भी हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने तरह तरह के डिज़ाइन के साथ इस धर्मशाला को बनाया गया। हालांकि यह अभी तक पुष्ट नहीं है कि यह धर्मशाला किस उद्देश्य से बनाई गई थी। इसको लेकर तरह तरह की व्याख्याएं हैं, तरह तरह के उसके ऐतिहासिक तत्व दिए जाते हैं। कहा जाता है कि चंदेलकालीन वंश में यह धर्मशाला लोगों को ठहरने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका हकीकत का प्रमाण अभी तक पुख्ता नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी गहरी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। हम आपको इस धर्मशाला का स्वरूप दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसे प्रयास पूर्व में कई बार हो चुके हैं। अब महानगर स्मार्ट सिटी बनने के बाद एक बार फिर से इस धर्मशाला को संवारने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास कितना सफल होगा यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा, लेकिन हम आपको, यदि आपने पानी वाली धर्मशाला को कभी नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश के झांसी में कभी आप आए हैं, तो यहाँ पर यह कि ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। इसके जस्ट पीछे जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यह रानी लक्ष्मीबाई जी का वो स्थल है जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। इसके अलावा यह सामने माँ अन्नपूर्णा का चमत्कारिक मंदिर है और सिद्ध गणेश, इसके साथ ही है भगवान भोलेनाथ का हर हर महादेव, हजारिया महादेव जी का मंदिर है। तो बहुत ऐतिहासिक स्थल है और ऐतिहासिक धर्मशाला है, आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी। अगर यह सुंदरीकरण के साथ इसका स्वरूप बदल दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व से यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आ सकते हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।